अगर किसी वक्त हमें आजमाइश में मुब्तला कर दिया जाए, कोई मुसीबत हम पर आ जाए, परेशानी आ जाए, उस वक्त भी हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे, इस्तिग़फ़ार करेंगे। तो गोया कि ये अल्लाह की मोहब्बत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यही चाहता है कि बंदे का ताल्लुक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जुड़ा रहे, वो रब ताला की बारगाह में हाज़िर होता रहे। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुआ का हुक्म फरमाया और बंदों की उम्मीद इस तरह से बढ़ाई कि कुरान करीम में इरशाद फरमाया, उदउनी, मुझसे दुआ करो, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा। इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआओं को कबूल करने का जो ये बयान फरमा रहा है, ये बंदों की उम्मीद बढ़ती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहब्बत बढ़ती है कि जब हमें पैदा करने वाला हमें ये बयान फरमा रहा है कि मुझसे दुआ की जाए और मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा, तो फिर बंदे अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे। और इसी तरह बयान किया गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सवाल करो, वो तुम्हारे सवाल को पूरा करता है। और फिर बयान किया गया कि अगर पूरी मखलूक मिलकर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने पर जमा हो जाए तो उतना ही नुकसान पहुंचा सकती है जितना अल्लाह ने तुम्हारी तकदीर में लिखा हो, और अगर तमाम मखलूक तुम्हें कोई फ़ायदा पहुंचाने पर जमा हो जाए तो भी इतना ही फ़ायदा पहुंचा सकती है जितना अल्लाह ने तुम्हारी तकदीर में लिख दिया हो। लिहाजा सवाल उसी की बारगाह में किया जाए, उसी की बारगाह में झुका जाए। हाँ। और यही सही तरीक़ा है जो हमें हाँ। शरीयत अता कर रही है। फिर अच्छा, ये रहा कि अगर बिलफर्ज कभी ऐसा भी होता है कि हम जो मांग रहे हैं एज इट इज़ हमें वो नहीं मिल रहा या फ़िलहाल नहीं मिल रहा है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि जब रब ने फरमा दिया हमें मिलेगा तो मिलेगा तो ज़रूर, उसकी सूरतें मुख्तलिफ हो सकती हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है जो चीज़ हमने जैसी मांगी एज इट इज़ इसी वक्त हमें वो मिल गई, बाज़ औक़ात उस चीज़ को किसी ख़ास वक्त के लिए कर दिया जाता है कि अभी तो ये दुआ कबूल नहीं होगी लेकिन जब इसका सही टाइम आएगा उस वक्त ये दुआ कबूल हो जाएगी। कभी ऐसा भी होता है कि हमारी दुआ अल्लाह की बारगाह में हमारी पुकार बहुत ज़्यादा पसंदीदा होती है, अल्लाह को पसंद आता है कि बंदा उसको पुकारे, तो हमारी इस पुकार को तवील कर दिया जाता है कि ये इसी तरह मांगता रहे, अल्लाह को ये अदा पसंद आ रही होती है, उसकी वजह से हम सब्र करते हैं, सब्र पर हमें अजर दिया जाता है, फिर ये दुआ या तो किसी ख़ास वक्त पे किसी और सूरत में कबूल हो जाती है, जो इससे बेहतर चीज़ है वो अता कर दी जाती है, और अगर बिलफर्ज दुनिया में ना दी जाए तो आखरत के लिए वो रख दी जाती है, और आखरत में बंदा जब उसका अजर देखेगा तो ये तमन्ना करेगा कि काश दुनिया में कोई दुआ मेरी कबूल ना हुई होती और आखरत में मुझे ये अजर दिया जाता, तो वो कि हर मकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस दुआ की कबूलियत का एहतमाम फरमाता है।